यमी टमी फ्लेवर्स। आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि स्पेशल थाली में बनाऊंगी। तो बहुत लोगों का फास्ट भी है और मेरा भी फास्ट है। सबसे पहले हम बनाएंगे पीनट्स पाउडर। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पीनट्स। तो उसे मैं रोस्ट करूंगी। तो पीनट्स हमारे भुन चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। ठंडा हो जाए तो अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो अब बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने पैन को गरम कर लिया है और उसमें डाला है 2 स्पून ऑयल। अब डालेंगे इसमें जीरा। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। ये मैंने एक बॉइल्ड आलू लिया है, उसे बारीक काट लिया है। अब थोड़ा सा सॉटे करेंगे। साबूदाना को मैंने 4 घंटे भिगो लिया था, तो ये मैंने 1 कप के अराउंड साबूदाना लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच पीनट्स पाउडर और इसे हम मिला लेंगे। अब इसको हम पैन में डाल देंगे। डाला है इसमें सेंधा नमक। थोड़ी सी धनिया पत्ता डालेंगे और कुक करेंगे 5 मिनट तक। ये साबूदाना की खिचड़ी आपकी रेडी हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेंगे इस बाउल में। अब बनाएंगे साबूदाना वड़ा। तो मैंने 4 बड़े आलू को मैश कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप सोख्ड साबूदाना। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच पीनट्स पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा जिंजर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे। अब बनाएंगे वड़ा। तो ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है, इस तरह से हाथों से इसे रोल करेंगे और अपनी हथेलियों से इसे ब्रश करेंगे। और इसी तरह से हम सारी बड़े बना लेंगे। तो ये देखिए बड़े रेडी हो चुके हैं। तो हम इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब एक तरफ से ये सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे।
ये देखिए बड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसे अब निकाल लेंगे। ये साबूदाना बड़ा रेडी हो चुके हैं। तो अब इसी पैन में हमने जीरा डाला है, तो अब बनाएंगे चटनी वाले आलू। तो ये मैंने दो आलू को काट लिया है, तो वो हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 स्पून चटनी जो हमने पहले से बना के रखी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 5 मिनट तक। चटनी वाले आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो अब बनाएंगे कुट्टू पूड़ी। तो 1 कप मैंने कुट्टू काटा लिया है। अब इसमें 2 आलू डालूंगी मैश करके, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और सेंधा नमक, इसे गूंथ लेंगे। तो ये डो हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने हाथों में ऑयल लगाया है, तो इसे ऐसे हाथों में अपने छोटा सा पोर्शन लिया है, उसे हाथों से रोल करूंगी और अपने हाथों की हथेलियों से इस तरह से फ्लैट करूंगी। तो ये पूरी रेडी है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो हम पूरी इसमें डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन तक सेकेंगे। ये पूड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए पूड़ियाँ सिक चुकी हैं, तो हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो अब लगाएंगे थाली। तो मैंने थोड़ा सा दही लिया है, चटनी वाले आलू, साबूदाना खिचड़ी, थोड़ी सी चटनी ली है, साबूदाना वड़ा, कुट्टू पूड़ी और ये मैंने थोड़े से एप्पल लिए हैं। तो ये देखिए आपकी थाली रेडी हो चुकी है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और सबको मेरी तरफ से